हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। डिजिटल की ओर बढ़ती दुनिया में लोगों के प्यार करने का तरीका भी डिजिटल हो गया है। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि फेसबुक से दोस्ती, प्यार और फिर शादी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों प्यार कर बैठे, समाज की नजरों में छिप छिपा कर दोनों के बीच एकांत में मिलने का क्रम शुरू हो गया। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। इनके साथ भी वही हुआ। कन्नौज की गुरसहायगंज कोतवाली के अंतर्गत ताखेपुरवा के रहने वाले मुन्नी और फिरोजाबाद के रहने वाले राजेश की फेसबुक से करीब 6 महीने पहले दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगे। यही नहीं, दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए अपने घर को छोड़कर मंदिर में शादी कर ली। राजेश कुमार, गाँव अरदासपुर, फिरोजाबाद का रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पे आया, मेरा फेसबुक पर मामला चालू हुआ, फेसबुक में नोएडा ले गया। नोएडा में मैंने अपनी शादी की, फिर वहाँ से दरवाजे गए, मेरे घर से बरामद हुआ और दोनों पकड़े गए। यहाँ पर आए, यहाँ पर मेरे घर परिवार के लड़की के दोनों पक्ष के मिलन हुआ, उसके बाद थाने में शादी हुई। लेकिन शायद जमाने को यह मंजूर नहीं था। उनके प्यार को किसी की नजर लग गई। लड़की के परिजन थाने जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की छानबीन शुरू कर दी। फिर होना क्या था, कानून के लंबे हाथों में दोनों फंस गए, जिन्हें पुलिस थाने ले आई और दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया। लेकिन प्रेमी साथ रहने की जिद में अड़े रहे। प्रेमी युगल के निर्णय के सामने पुलिस और परिजन दोनों को झुकना पड़ा। आखिरकार पुलिस की मध्यस्थता से दोनों के परिजनों को झुकना पड़ा और दोनों पक्ष शादी के लिए रजामंद हो गए। फिर क्या था, थाना परिसर में शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी और परिसर में स्थित मंदिर में प्रेमी युगल ने एक दूसरे को दोबारा वरमाला पहनाकर सफल जीवन की कामना के लिए आशीर्वाद लिया। वहां मौजूद लोगों का आशीर्वाद लेकर नवदंपति सपनों की दुनिया बसाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े और घर के लिए रवाना हो गए। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।